सुपेला थाना पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जो मोबाइल फाइनेंस कराने के नाम पर ठगी की घटनाओं को अंजाम देता था। आरोपी भानु प्रताप भगत ने 5 लोगों के दस्तावेजों से 4 लाख रुपए से ज्यादा ठगी करी है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। सुपेला थाना पुलिस की हिरासत में मौजूद ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले इस आरोपी का नाम है भानु प्रताप भगत, जिसके खिलाफ थाना सुपेला में अपराध दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को घटना से अवगत कराया गया, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई और सुपेला क्षेत्र में ही आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी लोन दिलाने के नाम पर पीड़ितों के आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मतदाता परिचय पत्र व अन्य दस्तावेज लेता था और इनके नाम से मोबाइल फाइनेंस कराकर दूसरों को बेच दिया करता था। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। पूरे मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने दी। ये पिछले कुछ दिनों से पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग हैं जो कुछ निम्न वर्ग के लोगों को, गरीब तबके के लोगों को बहका कर उनको उनके नाम से मोबाइल, महंगे मोबाइल और कुछ चीज़ें ऐसे फाइनेंस करा लेते हैं। फाइनेंस कराने के बाद में कुछ पैसे उनको दे देते हैं लालच के तौर पर, और उसके बाद फिर जो वो चीज़ें हैं, मोबाइल हैं, जैसे इस केस में 5 एप्पल मोबाइल का केस आया था, इसमें संज्ञान पे आया था, तो ऐसे मोबाइल को ले जाके कहीं बेच देते हैं और उसका जो पूरा पैसा, जो फ़ायदा है, वो खुद ले लेते हैं। अब ये जो चूँकि फाइनेंस हुआ रहता था, तो फाइनेंस होने के बाद पे जो फाइनेंस कंपनी है वो इनके पीड़ित के पास में अपना जो EMI है वो लेने आती थी वसूली। अब जब EMI के लिए लेने आते थे तो इनको पता चलता था कि इनके साथ में इस तरीके की ठगी हुई है। इसी तरीके के 5 टोटल प्रार्थी थाना उपस्थित आए थे। थाना उपस्थित आके उनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत की जाँच के उपरांत पे प्रार्थी अमित घोष की रिपोर्ट पर पुलिस ने 420/34 का FIR दर्ज किया था। FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने प्रॉपर विधिवत विवेचना की। विवेचना के दौरान पे तथ्यों को सही पाया और साक्ष्यों का संकलन करने के उपरांत पे इस मामले पे भानु प्रताप भगत, जो कि वैशाली नगर क्षेत्र का रहने वाला है, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इससे पूछताछ में इसने पूरा जो प्रक्रिया है, जो ठगी की प्रक्रिया, उसको कबूल किया है और बताया है कि मोबाइल को कहाँ कहाँ पाया है। अभी पुलिस इसमें प्राइमरी विवेचना चल रही है। विवेचना के दौरान पे अन्य तथ्य आएंगे इसमें और जो ये मोबाइल वगैरह बरामद होंगे। बहरहाल ठग की गिरफ्तारी को लेकर थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में ASI नील कुसुम भदौरिया, आरक्षक जुनेद सिद्दीकी, विवेक सिंह, उपेंद्र सिंह का विशेष योगदान रहा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।